आईपीएल के 13वें सीजन का आखिरी मुकाबला भी समाप्त हो गया। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ही मुकाबला खेला गया था, जिसमें हैदराबाद ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली और शानदार तरीके से मैच जीता। दरअसल प्लेऑफ में पहुंचने वाली चार टीमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद हैं। हैदराबाद ने आज मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा था। आज मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, जो चोट की वजह से काफी समय से बाहर थे, टीम में वापस आए थे, लेकिन रोहित शर्मा आज अपना जलवा नहीं दिखा पाए और मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक ने 25 रन, सूर्य कुमार यादव 36, ईशान किशन 33 रन। हालांकि कारण पोलार्ड ने 25 गेंदों में 41 रन की धमाकेदार पारी जरूर खेली, जिसमें 2 चौके और 4 शानदार छक्के भी थे। इसी के बदौलत मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा था। करो या मरो के मैच में हैदराबाद इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। कप्तान डेविड वॉर्नर और रिद्धिमान साह ने टीम के लिए शानदार पारी खेली और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 8 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम का स्कोर 80 रन के पार पहुंचा दिया और मैच अपनी झोली में डाल दिया। आपको बता दें, कप्तान डेविड वॉर्नर और रिद्धिमान शाह ने इन दोनों ने ही शानदार अर्धशतक जड़ा और दोनों ने आसानी से मैच एक तरफा कर दिया और इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को जीत गई। अब देखना होगा कि प्लेऑफ में पहुंचने वाली इन चार टीमों में से आईपीएल का खिताब कौन जीतता है, किसके सर जीत का सहरा सजेगा, वो तो आने वाले मुकाबले ही बताएंगे, क्योंकि अब एक से एक रोमांच भरे मुकाबले देखने को मिलेंगे जो दर्शकों की सांसें तो जरूर रोक देंगे। आईपीएल के मैचों की पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।